अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफ़िज़ा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी क्या होती है। पर्सनैलिटी जो है उसका हमारी साइकोलॉजी के ऊपर कितना इफ़ेक्ट होता है, या जो हमारी साइकोलॉजी है उसके अंदर हमारी पर्सनैलिटी का कितना अमल दखल होता है, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी इम्प्रेसिस मूड, एटीट्यूड एंड ओपिनियन एंड इज मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन इंटरेक्शन विद अदर पीपल। इट इंक्लूड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक बोथ इनहेरेंट एंड अक्वायर्ड डैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्राम अनदर एंड डैट कैन बी ऑब्जर्व इन पीपल रिलेशन टू द इन्वायरमेंट एंड टू द सोशल ग्रुप। पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होती है, हमारा मूड, एटीट्यूड, ओपिनियन जो होते हैं इससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है जो हम दूसरों को दिखाते हैं। यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल और जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनते हैं। इंटरनली यानी कि जो हमारे ओपिनियन, एटीट्यूड, मूड है इससे लोगों को हमारी पर्सनैलिटी पता चलती है। और जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं यानी कि एक्सटर्नली जो है जिस तरह की हमारी ड्रेसिंग वगैरह होगी उससे भी लोगों को हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हमारे बिहेवियर करैक्टरिस्टिक भी इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो हमें इनहेरेंट मिले हों या फिर अक्वायर्ड यानी कि हमने इन्वायरमेंट से सीखे हों। और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है डैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर, हर एक की पर्सनैलिटी जो होती है तो वो हर एक की पर्सनैलिटी अलहदा आती है दूसरे पर्सन से। और हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर हमारे इन्वायरमेंट का, सोशल ग्रुप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये जो फिगर है इसके मुताबिक हमें बताया जा रहा है कि पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक आ जाती है, यानी कि न्यूरोटिज़म, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, ओपननेस, इस तरह डिफरेंट जो है लॉजिकल चीज़ों के ऊपर देखा जाता है, केयरिंग पर्सनैलिटी होती है, इस तरह डिफरेंट जो है वो पर्सनैलिटी आ जाती हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज़ अ पर्सनैलिटी सिस्टम। द डिसिप्लिन सीक्स टू अंडरस्टैंड अ पर्सन मेजर साइकोलॉजिकल पैटर्न एंड हाउ दोज पैटर्न आर एक्सप्रेस्ड इन एन इंडिविजुअल लाइफ। यानी कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कहती है एक डिसिप्लिन है, यानी कि साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर देखा जाता है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है उसके मेजर साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की बेस के ऊपर, कि किस तरह का उसका मूड है, एटीट्यूड किस तरह का है। हु इंट्रोड्यूस पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इन 1937, जो गॉर्डन ऑल्पर्ट था इसने पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑल्पर्ट जो था उसने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया था और उसके ऊपर उसने एक बुक भी जो थी वो पब्लिश की थी, एक बुक को भी उसने क्रिएट किया था जिसके अंदर उसने स्टडी बताई थी कि किस तरह जो है पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है या सोशल साइंसेस के जरिए किस तरह पर्सनैलिटी को देखा जा सकता है। द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स पीपल यूनिक एंड द कंसिस्टेंसीज इन पीपल्स बिहेवियर अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, यानी कि लोग जो हैं हर एक इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से जो है वो डिफरेंट है, यूनिक है, और कंसिस्टेंसी होती है लोगों के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर और सिचुएशन के अंदर, और टाइम के ज़रिए जो है देखा जाता है कि लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह की है। की करैक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के जो की करैक्टरिस्टिक होती हैं वो ये होती हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होती है, कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी होती है, उसके पर्सनैलिटी के ऊपर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उनके जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो है पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके थॉट पैटर्न्स जो है ना, उसकी फीलिंग वो चेंज हो जाती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स फाइव जो हैं वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिसके अंदर आता है एक्स्ट्रावर्जन यानी कि एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एग्रीएबलनेस यानी एग्री हो जाना, ओपननेस यानी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला होना, न्यूरोटिसिज्म एंड कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी विल फार सम वेयर ऑन द स्पेक्ट्रम फॉर ईच ट्रेट, यानी हर एक की जो पर्सनैलिटी है वो हर एक के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो अलहदा होता है जिसकी वजह से हर एक की पर्सनैलिटी अलहदा होती है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी हैई इन एस्ट्रोवर्जन कॉन्शियसनेस एंड एग्रीएबलनेस बट सम वेयर इन द मिडल फॉर ओपननेस एंड न्यूरिज्म, यानी कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये भी हो सकता है किसी के अंदर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ज़्यादा हों और कुछ जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो कम हों। स्कोप ऑफ पर्सनैलिटी, द स्कोप ऑफ पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट इज क्वाइट ब्रॉड, इट इंक्लूड नोइंग हाउ टू ड्रेस वेल, सोशल ग्रेसिस, ग्रूमिंग, स्पीच एंड इंटरपर्सनल स्किल। यानी कि पर्सनैलिटी का ज़्यादा में क्या आती है, हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी यानी कि जो हमारी ड्रेसिंग वगैरह, हमारी सोशल स्किल्स, सोशल ग्रेस, ग्रूमिंग हमारी किस तरह की हुई है वो, हमारा स्पीच किस तरह की है, कम्युनिकेशन किस तरह की, और इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरह की है।
Why is personality important? Personality development help you gain recognition and acceptance from the society as well as people around. यानी कि जैसे जैसे हमारी personality, अगर किसी इंसान की personality अच्छी होती है तो उससे recognition मिलती है, society जो है वो उसे accept करती है और उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उसको accept करते हैं. Personality development play an essential role not only in an individual professional but also personal lives. Personality जो है ये सिर्फ एक individual की professional life के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अहम रोल अदा करती है. इट मेक्स एन इंडिविजुअल डिसिप्लिन पंक्चुअल एंड एन असेस्ड फॉर हिज हर ऑर्गेनाइजेशन. ये पर्सनैलिटी से क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आ जाता है. फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, वो कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसमें आ जाती है फिजिकल इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो हेरिडिटी जो हमें विरासत से मिली, एक्सपीरियंसेस हमारे किस तरह हुए हैं उनकी बेस के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और हमारा जो कल्चर है उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल होता है. नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, एट इट्स मोस्ट बेसिक पर्सनैलिटी इज़ द करैक्टरिस्टिक पैटर्न एंड थॉट फीलिंग बिहेवियर. यानी पर्सनैलिटी के अंदर हमारी थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर आ जाते हैं जो कि हर एक इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाते हैं, मुख्तलिफ बनाते हैं. इट इज़ बिलीव डर पर्सनैलिटी अराइज फ्राम विद इन द इंडिविजुअल एंड रिमेन फेयरली कंसिस्टेंट थ्रू लाइफ. जो पर्सनैलिटी होती है वो कंसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ के. इट इज़ अ टोटली ऑफ वन बिहेवियर टुवर्ड वन सेल्फ एंड अदर एज वेल. हमारी पर्सनैलिटी कहती है जो कि हमारा बिहेवियर होता है टुवर्ड्स अवर सेल्फ और टुवर्ड्स अदर पीपल. हाउ डू वी मैय पर्सनैलिटी, दिस इज अचीव यूजिंग अ क्वेश्चन बेस्ड मॉडल आस्किंग रिस्पोंडेंट टू रेट देमसेल्फ बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन टू गिवन सिचुएशन जनरली ऑन अ स्लाइडिंग और लिकर्ट स्केल. यानी कि पर्सनैलिटी को किस तरह मैय कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चनर्स के जरिए जो है, इसके अलावा लिकर्ट स्केल जो है इसके जरिए पर्सनैलिटी को जो मैय किया जा सकता है. दैन एल्गोरिदम आर यूज टू टर्न दी सब्जेक्टिव आंसर इंटू ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी रेट्स. ये जो लिकर्ट स्केल और डिफरेंट स्केल्स जो है उनके जरिए जो है वो पर्सनैलिटी को मैय किया जाता है और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है उनको फाइंड आउट किया जाता है. Personality is essential in the life of an individual which not only decide the professional success but also determine his her overall behavior and attitude in personal life. Our personality determine how we act or react. यानी कि जो personality है उसका हमारी life के अंदर बहुत ज़्यादा important role होता है, professional life के अंदर भी और personal life के अंदर भी. इसके अलावा जो हमारी personality है उसके जरिए determine होता है कि एक पर्सन जो है उसको इन्वायरमेंट में कैसी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है और फिर वो किस तरह जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उससे पता चलता है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है. टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है जिसमें आते हैं टाइप ए बी सी डी. टाइप ए वाला पर्सन जो होता है वो हाई अचीवर, वेल ऑर्गेनाइज होता है, दूसरों की हेल्प करना पसंद करता है. टाइप बी वाला पर्सन वो भी सोशल होता है, रिलैक्स होता है. टाइप सी जो होता है वो ज़्यादा टाइम जो है वो डिटेल के ऊपर लगाता है, हैप्पीली जो है वो रूल्स को फॉलो करता है. और टाइप डी जो होता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और वो रियलिटी होता है, लॉजिकल वे के अंदर काम करता है. इस फिगर में पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप्स बताई जा रही हैं. ए बी सी डी के बी वाला सोशल है, सी वाला जो है वो खुशी जो है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है, डी वाला जो है वो डिटेल के ऊपर फोकस कर रहा है, लॉजिकली जो है चीज़ को लेके चल रहा है, और ए वाला जो है वो सोशल हैप्पीली है. वाई डू वी नीड पर्सनैलिटी थेरी, पर्सनैलिटी थेरी की क्या ज़रूरत होती है. थेरी ऑफ पर्सनैलिटी आर यूजफुल टू साइकोलॉजिस्ट फॉर अ वैराइटी रीज़न. साइकोलॉजिस्ट जो है इनको डिफरेंट रीजंस की बेस के ऊपर जो है यूज़ करते हैं. इनके जरिए पर्सन का बिहेवियर पता चलता है, उसकी ट्रेट्स जो हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है कि पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है. फैक्टर अफेक्टिंग और पर्सनैलिटी, वो कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं. उनमें आता है इन्वायरमेंट जो होता है, फिजिकल फैक्टर पर्सनैलिटी, सिचुएशन किस तरह की है, हेरिडिटी क्या है, फैमिली सोशल फैक्टर, कल्चरल किस तरह का है, इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है वो पर्सनैलिटी के ऊपर की बेस पे देखा जाता है. सेक्स डिफरेंस जो है वो देखा जाता है कि मेल है फीमेल है. साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उस देखे जाते हैं, थॉट बिहेवियर वगैरह किस तरह के, पर्सन के एटीट्यूड किस तरह का है. पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आती है पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स और नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स. पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर पर्सन माइंडफुल होता है, एम्पैथिक होता है, क्रिएटिव होता है, अडाप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को. नेगेटिव के अंदर क्या होता है, पर्सन थाटलेस होता है, उसका कोई थाट नहीं होता जो है, लॉजिकली और क्रिएटिविटी नहीं होती उसके अंदर, डिसऑनेस्ट होता है, एरोगेंट होता है एंड मेलिशियस होता है. ये पर्सनैलिटी की जो है फाइव बेसिक ट्रेट्स है, जिसके अंदर आता है ओपननेस, कि हाँ वो एक पर्सन जो है वो अप्रिशिएट करता है न्यू चीज़ों को,
ओपनली जो है वो बिहेवियर फीलिंग्स वगैरह को एक्सेप्ट करता है। कॉन्शियसनेस यानी कि वो जो है हार्ड वर्किंग होता है, रूल्स वगैरह को फॉलो करता है। एक्स्ट्रावर्ट होता है यानी कि एक्स्ट्रोवर्ट होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल लेवल होता है। एग्रीएबलनेस होता है कि यानी वो दूसरे लोगों के साथ अपनी चॉइसिस ओपिनियंस को मैच कर लेता है, उनके साथ एग्री हो जाता है। और न्यूरोटिज्म होता है कि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस जो होता है वो बार बार जो है अगर लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, यानी एंगर वरी सैडनेस वगैरह से देखा जा रहा है, तो वो उसके लेके पर इन पर्सनली जो है वो सेंसिटिव होता है। इसको कहा जाता है न्यूरोटिज्म। फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी यूनिक ईट जो है इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है उसका सोशल अट्रैक्शन या सोसाइटी का उसके ऊपर। कंसिस्टेंट होता है, स्टेबल होता है। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो होता है फैक्टर का उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है। साइकोलॉजिकली क्या है ओपिनियंस वगैरह और इमोशंस जो हैं उसके किस तरह उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल उसकी पर्सनैलिटी क्या है। और इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो पर्सनैलिटीज़ के अंदर आ जाता है। कोई भी एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान के साथ इंडिविजुअल के साथ सेम नहीं होता, दोनों के अंदर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस अब डिफरेंट टाइप्स का हो जाता है, उसके अंदर जो है उनकी इंटेलिजेंस जो है IQ जो है वो डिफरेंट है, उनका कल्चर अलहदा हो जाता है, उनका अंदर सेक्स डिफरेंस आ जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पर्सनैलिटी और डिफरेंट एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस किया। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।